दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र के जापानी पार्क में 31 अगस्त से 3 सितंबर तक तृतीय भव्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव व मेले का आयोजन समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया गया, जहां पर श्री कृष्ण श्रद्धालुओं को भव्य शोभा यात्रा, हास्य कवि सम्मेलन, टी सीरीज कलाकारों द्वारा महारास व लीला व सुप्रसिद्ध खाटू श्याम संकीर्तन व आकर्षक झांकियां देखने को मिली। मुझे अपने ही रंग में रंग दे, मेरे यार सारे। जब भी आप दरबार में जाएं तो केवल एक ही चीज मांगे कि ठाकुर मुझ पे ऐसा रंग करा दो अपना कि दुनिया के सारे रंग मुझ पे चढ़ ना पाए, क्योंकि दुनिया इतनी बेदर्द है कि समय समय के हिसाब से बदलती रहती है। जब तक जेब में नोट है तब तक अपने, वरना सब कराए जैसे चीरा दे, तो उसको अपना बनाओ, उसके रंग में रंगो। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे और जब हमारे एएसडी न्यूज के संवाददाता सुमित कुमार ने समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गर्ग से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएसडी न्यूज, मैं हूं सुमित कुमार और आज हम आप पहुंचे हैं दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र के जापानी पार्क में, जहां पर तृतीय भव्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आगाज हो चुका है। इसका कुमार भक्तों के सर चढ़कर बोल रहा है और आइए अब आपको मिलवाते हैं इस कमेटी के अध्यक्ष श्री राकेश गर्ग जी से। सर, आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स हमको मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि भक्तों की लाइन लगी हुई है और मौसम खराब होने के बावजूद, और हमारे ग्राउंड में भी बहुत सारा पानी भर गया है, लेकिन उन सबको नज़रअंदाज करते हुए रोहिणी क्षेत्र की जनता इस आयोजन का भव्य मजा ले रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एएसडी न्यूज के दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एएसडी न्यूज के दर्शकों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपके घर में खुशहाली बनी रहे। और जब ट्रस्ट के अन्य सदस्यों से बात हुई तो देखिए उन्होंने क्या कहा। और आइए अब आपको मिलवाते हैं सीमा कौशिक जी से, जो कि इस चैरिटेबल ट्रस्ट की महिला सदस्य हैं। सीमा जी, आप इस कार्यक्रम में आई हैं, ये आयोजन किया गया है आपकी कमेटी के द्वारा, आपको कैसा लग रहा है, इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये आज हमारा खाटू श्याम जी का कीर्तन है और समर्पण चैरिटेबल वाले बहुत अच्छे तरीके से इसको सभी कलाकारों को बुला करके सबको इस धार्मिक सबको फायदा हो, सब लोग इसको सुनने आए और इसीलिए हम इसको कर रहे हैं जी। तो सीमा जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम दर्शकों देखने को मिलेंगे? हाँ। श्री कृष्ण के भक्त जो यहाँ पे उमड़ पुजे हैं, समर्पण ट्रस्ट में हमेशा इस तरीके के कार्य होते रहते हैं और हमेशा करेंगे। अभी ये हमारा तीसरा साल है, लेकिन अगर भगवान ने चाहा तो 300 साल तक ये चलता रहेगा। और आइए अब आपको मिलवाते हैं संपन्न चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन श्री राजेश जैन जी से। सर, इस कार्यक्रम को आप चैरिटेबल ट्रस्ट ने आयोजित किया है, इसके बारे में आप क्या कहना? हमारा ये तीसरा भव्य कृष्णा महोत्सव मना रहे हैं हम, इसको हमारी पूरी टीम अच्छे से मना रही है, हमारा भविष्य में भी इसको और भी अच्छे से मनाएंगे हम लोग सारा मिलके इसको। और आइए अब आपको मिलवाते हैं नरेश गुप्ता जी से, जो कि दिल्ली नया बाजार ग्रैंड मर्चेंट के अध्यक्ष हैं और यहाँ पर बतौर अतिथि आए हुए हैं। नरेश गुप्ता जी यहाँ पर आप आए, आपको आमंत्रित किया गया है, आप क्या कहना चाहेंगे इस भव्य कार्यक्रम के बारे में? श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये इतना भव्य आयोजन किया गया है, तो हम उसमें श्याम बाबा के कीर्तन में अपना सौभाग्य है कि भाई इन्होंने हमारे को आमंत्रित किया और हम इस धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हुए, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जन्माष्टमी का जो पर्व है वो आज और कल दोनों दिन मनाया जा रहा है और उसकी मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, सभी बहन भाइयों को हार्दिक बधाई देता हूँ जन्माष्टमी उत्सव की, और इतना अच्छा इन्होंने आयोजन किया है इसके लिए मैं हृदय गहराइयों से इनका हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। अब आपको मिलवाते हैं सुरेंद्र गर्ग जी से, जो कि इस कमेटी के संरक्षक हैं। तो सुरेंद्र जी, इतना सुंदर कार्यक्रम है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी, चेयरमैन राजेश जैन जी,
सभी पदाधिकारीगण हमारे और सारी कार्यकारिणी को बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूँ कि जिन्होंने मिलकर के इतना सुंदर आयोजन किया। मैं एएससी न्यूज़ के दर्शकों को उनको बहुत बधाई देता हूँ जो इस चैनल को देखते हैं, और मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष गोयल के साथ सुमित कुमार, एएससी न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली और एनसीआर की सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए एएससी न्यूज़ और चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े एएससी न्यूज़ नेटवर्क के साथ।